मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो ऐसे शख्स की कहानी है जिसने ऑनलाइन गेम के चक्कर में अपने आप को 97 लाख रुपए का मकरूज कर लिया। कि ऑनलाइन गेम एक जुआ है और जुआ इस लत में पड़ जाता है तो फिर बर्बादी उसका मुकद्दर होती है। शुरू शुरू में आप जीतते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, ये गेम का एल्गोरिथम होता है कि शुरू शुरू में वो आपको जिताती है। तो जब आपको इसकी लत पड़ जाती है तो फिर ये आपसे आपका सारा कुछ छीन लेती है। तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही। क्यों, घर का कोई और लोग? नहीं रोगे? बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। कोई बात नहीं करता, अरे हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो देखने नहीं आएंगे। बीटेक की फीस हार गए चूहे में। टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए। सर बेटा, मेरा भाई बात नहीं करता, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता। अपनी भतीजी को देखना चाहते हैं। मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। गेम के चक्कर सब कुछ खत्म हो गया, गेम्स के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ऑनलाइन गेम के चक्कर में ना पड़े, ये एक जुआ है। आपने वो मशहूर कहानी तो सुनी होगी कि एक शख्स की वालदा फौत हुई और वो जुए पर बैठा हुआ था, वो ताश के जरिए जुआ खेल रहा था। तो उसको इतला मिली कि आपकी वालदा फौत हो चुकी हैं, तो उसने कहा कि कफन दफन का और जनाजे का बंदोबस्त करो, मैं आता हूँ। फिर दोबारा उसको इतला दी गई कि कफन दफन और जनाजे का बंदोबस्त हो गया है। तो फिर उसने कहा जी जनाजागाह तक पहुंचे, मैं अभी आता। और यूं करते उसकी माँ का जनाजा हो गया, हत्ता तक के उसकी तदफीन तक हो गई, लेकिन वो शख्स जुए से ना उठा। और जब तदफीन होगी तो उसको किसी ने आके बताया जी जनाजा भी हो गया और तदफीन भी हो गई। तो उसने कहा जी अल्लाह ताला उनको मगफरत दे, और फिर वो शख्स जुए पर बैठ गया। तो ये इतनी बुरी लत है जिसमें कोई पड़ जाए तो फिर उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके और लोगों के घर और इज्जतें तक बिक जाती है इस जुए के चक्कर में। तो ऐसी तमाम गेम से दूर रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।